हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। आज की क्लास में हम 2021 3ds Max का UI सेटिंग्स, इनको हम आज के डेट में आज के क्लास में समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू व्यूपोर्ट, 3ds Max व्यूपोर्ट, इसको आज के डेट में हम समझेंगे कैसे व्यूपोर्ट काम करता है, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे और 2021 में क्या नई सेटिंग्स हैं, कैसे इनको अच्छे से बेटर तरीके से काम करना है इस सेटिंग पे, यू 3ds Max 2021 व्यूपोर्ट पे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका 3ds Max 2021 का व्यूपोर्ट है। थोड़ा बहुत मैंने इसमें अभी चेंज कर दिया है। अगर आपको कभी कुछ चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही थी, मैंने अभी चेंज कर दिया, अब और आपको कभी डिफॉल्ट चाहिए हो तो रीसेट टू डिफॉल्ट ऐसा कुछ आप क्लिक करोगे वर्क स्पेस पे, देन आपका डिफॉल्ट आ जाएगा। जब मैंने इंस्टॉल किया, ओपन किया, तो ऐसा कुछ ओपन हो। मैंने इन चीज़ों को हटा दिया। कैसे हटाया? क्योंकि मुझे ये वेस्ट यूजफुल नहीं लग रहा था। 2021 में ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ खास हालत अच्छा नहीं लगा मुझे। 18-20 में भी थे, तो इन चीज़ें को जैसे अभी यहाँ पे ये है, आपको ये थ्री साइडेड ऐसा कुछ चाहिए, फोर साइडेड व्यू पोर्ट था, आपको थ्री साइड चाहिए, तो ऐसा कुछ सिर्फ फ्रंट टॉप और लेफ्ट ये आ रहा है। तो हम अभी इस पे यूज कर रहे थे, ये उनके लिए। जैसा कि आप फोर साइडेड पे काम करते हो, डबल अल्ट और डब्लू, ये देख सकते हो मैं जो भी माउस या कीबोर्ड को यूज करूंगा वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, मिडिल माउस बटन यूज कर रहा हूँ तो व्हील, ये सब आपको बता रहा है कि मैं माउस पे क्या यूज कर रहा हूँ, कौन सा बटन। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा इससे आपको ये पता चल रहा है। अब जैसे W अल्ट W के थ्रू हम ऐसा कुछ करते हैं, वो आपको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए ये फैसिलिटी आपको दिया गया है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ चाहिए इसे यहाँ पे तीन आपने ऐड कर लिया, कभी आपको मन है तो आप ये यूज कर सकते हो। फिर आपको कुछ और चाहिए, ऐसा दो व्यू पे काम करना है, सिर्फ फ्रंट और टॉप पे, तो वो कर सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे सिर्फ, लेकिन ये स्टैंडर्ड बढ़िया होता है और ज़्यादातर लोग इसी को फोर साइडेड को यूज करते हैं, तो हम भी यूज करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई और यूज करना है आप कर सकते हो, बट ना ये फोर तो बेटर है, सबसे अच्छा है। तो फिलहाल हम, अगर आपको जैसे इसे हटाना है, यहाँ पे जाओगे व्यूपोर्ट लेआउट टैब, यहाँ से ऐसा कुछ गायब कर दोगे। अगर आप गायब कर दोगे, इसे फिर से लाना है, यहाँ से आप ला भी सकते हो। ये देखो, ये आपका व्यूपोर्ट टैब रहा, ऊपर ऐड करना है, यहाँ हटा दो, हटाना है, यहाँ क्लिक करो, ये हट जाएगा। पहले कीबोर्ड में होता था कि आपको जैसे अभी यहाँ पे मैं कहीं भी ये ले जा रहा हूँ, अपने आप ही ये अल्ट जेड के क्लिक करने पे ले रहा है, पहले क्लिक करना पड़ता था प्रॉपर, अपने आप ही। अगर आप ऐसा कुछ कहीं भी आपका जहाँ भी कर्सर हो, अगर आप जेड प्रेस कर देते हो, वहाँ पे ये आपका अपने आप ही ले लेता है। तो ये चीज़ें हैं। अभी आपको जैसे ये टूल भी हटाना है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है, इसे भी हटाना है, यहाँ पे जाओगे सीन अनएक्सप्लोरर, ये देखो हट गया। तो इन चीज़ों को ऐसा कुछ करके आप रिमूव कर सकते हो। आपको अगर ऐड करना है कस्टमाइज सो यूआई एंड, यहाँ पे आपको जैसे रिबन है नीचे का, कमांड पैनल है, टाइम स्लाइडर है, इन चीज़ों को आपको अगर हटाना है, रखना है, यहाँ से भी आप रखने का, हटाने का ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे फिलहाल के लिए मैं अगर एक चीज़ हटाना चाहूँ, टाइम स्लाइडर, नीचे का टाइम स्लाइडर, तो आप समझ ही रहे हो इस टाइम स्लाइडर की बात कर रहा हूँ, हटाना है, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। टाइम स्लाइडर है, रिवन है, कमांड पैनल है, चलो कमांड पैनल, ये देखो कमांड पैनल गायब हो गया। फिर मैं जाऊँ यहाँ पे यूआई, कमांड पैनल मुझे चाहिए, ऑन कर दूंगा, फिर से इसमें जाता हूँ यूआई रिवन, ये देखो यहाँ पे जो ये रिवन आ रहा था गायब हो गया। फिर मैं आता हूँ यहाँ, और ये रहा हमारा कमांड पैनल में रिबन शेयर्ड, ये चीज़ें यहाँ पे जैसे ये आ रहा था यहाँ पे, तो ये था आपका टारगेट टॉगल्स एंड ये आपका लेयर, लेयर एक्सप्लोरर, लेयर एक्सप्लोरर और सीन एक्सप्लोरर। जैसे फिर से आपको सीन एक्सप्लोरर जो यहाँ आ रहा था चाहिए, तो आप ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो, इसको हटा के यहाँ भी ऐसा कुछ रख सकते हो। आप रिबन को हटाना है, यहाँ से कट कर दो, और जैसा कि आप देख रहे हो इसे ऑफ करना है, यहाँ ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे मूव करके रख दिया था, तो ऐसा कुछ ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखो सेलेक्ट एक्सप्लोरर, सीन एक्सप्लोरर यहाँ पे आ रहा है,
तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ से ठीक करना है, आप इनको कर सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। लेयर एक्सप्लोरर यूज करना है ऐसा कुछ, यहाँ पे आपका लेयर एक्सप्लोरर आ जाता है नीचे में, यहाँ पे आपको रखना है, रख सकते हो इनको। लेयर एक्सप्लोरर यूज करना है करो, नहीं करना है यहाँ से ऑफ कर दो। ये रहा आपका लेयर एक्सप्लोरर। तो इन चीज़ों को आप यूज कर सकते हो अपने इस व्यू पोर्ट पे। अभी देख सकते हो यहाँ से मैंने इन चीज़ों को हटा दिया, तो आपको ऐड करना हो ऐड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ क्लिक करो ऐड हो जाएगा आपको जो भी चाहिए, और नहीं हटाना है आप हटा दो। और ऐसा अभी आपको फिर से यहाँ से हटाना है, इसे ऑफ कर दूँ। यह इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे जैसे कि टाइम स्लाइडर है, आपको बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे कस्टमाइज में जाना, यूआई में जाना, ये चीज़ें नहीं करना है, तो ए टू जेड व्यू पोर्ट से रिलेटेड ए टू जेड आपको यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पे कस्टमाइज है, कमांड पैनल है, सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे, एक्स्ट्राज है, सब कुछ आपको मिल जाता है। वी रे टॉगल है, ए टू जेड जो भी आपको व्यू पोर्ट पे आ रहा है सभी चीज़ें आपको, एक्स्ट्रा चीज़ें हटाने को मिल जाती है। जैसे ये है यहाँ पे, इन चीज़ों को भी आप हटा सकते हो। तो आपको जो चीज़ें हैं यहाँ से, टाइम स्लाइडर है, अभी जैसे आपको सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हो, आपको टाइम स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने टाइम स्लाइडर पे क्लिक किया, नीचे का टाइम से ये टाइम स्लाइडर गायब हो गया और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ, तो आप ऐसा करके गायब कर सकते हो। मेन टूल बार है, लो ऊपर का मेन टूल बार आपने गायब कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं है तो गायब कर सकते हो, रखना है फिर से आप अपने ऑन कर दिया। प्रोजेक्ट पैनल है, ये देखो आपने प्रोजेक्ट पैनल रखना है नहीं रखना है ये आपको डिसाइड करना है। ये देखो एबीसी ये इधर होता है, ये आ गया, इसे मुझे ऑफ करना है। रेंडर शॉर्ट्स ये देखो यहाँ से मैंने हटा दिया। तो ये चीज़ें हैं, आप इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मेन टूल बार है, रेंडर शॉर्ट है, रिबन है, फ्लोटिंग व्यू पोर्ट है, ये चीज़ें हैं। आपको जो भी ऐड करना हो आप यहाँ से इन चीज़ों में से जो भी ऐड करना हो, इनको हटाना है इनको भी हटा सकते हो। तो इसमें कोई आपको वैसी बात नहीं है। अगर जैसा कि आप यहाँ पे जाओगे कमांड पैनल, ये देखो ऊपर सबसे टॉप पे कमांड पैनल अभी ऑन है, आप ऑफ कर देते हो कमांड पैनल गायब हो गया, फिर से चाहिए कमांड पैनल आपका आ भी गया। तो जो भी टूल आपको यूज करना हो व्यू पोर्ट से रिलेटेड, आपको जो भी टूल यूज करना हो, जैसे यहाँ पे इस यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे, सॉरी यहाँ पे अगर कॉर्नर पे आप ये देखो, तो आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट नेविगेशन, ये आपका जो व्यू पोर्ट नेविगेशन का ये सारे टूल हैं। जैसे इसी को मैं जो अल्ट डब्ल्यू से जो मैं ये चीज़ कर रहा था, ये अल्ट डब्ल्यू से इसी को मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाना है, फुल व्यू पोर्ट पे काम करना है प्रोस्पेक्टिव के, तो मैं अल्ट डब्ल्यू जो यूज करते हैं हम इस चीज़ के लिए, या मुझे फ्रंट को ही बड़ा करके प्रोस्पेक्ट काम करना है, तो इस यहाँ पे गया और ऐसा कुछ अल्ट डब्ल्यू यूज कर रहा हूँ। टॉप पे जाऊंगा तो टॉप, अब जिस व्यू पोर्ट पे आप होगे ये देखो येलो कलर का ये आइकन आपका येलो कलर का लाइन बन जाता है, उस व्यू पोर्ट पे आप ऐसा कुछ क्लिक भी कर सकते हो, या सिर्फ कर्सर भी आप मूव करोगे ऐसा कुछ और जेड प्रेस करते जाओगे उस व्यू पोर्ट पे आप चले जाओगे, क्लिक भी कर सकते हो। यही काम जो अल्ट डब्ल्यू यहाँ पे अभी कर रहा था वो यहाँ से भी आप कर सकते हो व्यू पोर्ट नेविगेशन में, यहाँ से ये काम यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, मेन है आपको अच्छा आउटपुट लाना, आप इस सॉफ्टवेयर से कितना अच्छा से अच्छा आप डिज़ाइन बना सकते हो, मेन ये डिपेंड करता है। बाकी तो आप ये काम के लिए हजारों टूल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अब बाकी हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कमांड पैनल है, आपको बॉक्स कोन स्फेयर ये सब चीज़ें पहले की तरह जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स में अभी तक 3ds Max में होते थे वैसा कुछ इसमें आपको भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे टी पोर्ट है, ऐसा कुछ आप जाओगे और ये टी पोर्ट आपने बना लिया, और जैसे कि बॉक्स लेना है ऐसा कुछ आप जाओगे ड्रैग करोगे ये जी बॉक्स आपका बन गया। अभी क्या है, यही बॉक्स आपको यहाँ टॉप व्यू में दिख रहा है, यहाँ आपको लेफ्ट साइड इस बॉक्स का दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आपको फ्रंट साइड इस बॉक्स इसी बॉक्स का या इसका इसका आपको टी पोर्ट का दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अब इसी में आपको यहाँ पे ये फाइल एडिट ये सब सारे सॉफ्टवेयर में जैसे होते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे पहले भी होता था आपको ये मूव टूल ऐसा कुछ। अभी ये जो येलो कलर का ये आ रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी भी दो क्लास 2021 का बन चुका है। ये क्या है, ये आपको जैसे ये दोनों आपको एंगल टूल, इसमें ये सब क्या काम करते हैं ऑलरेडी क्लास दे रखा हूँ, आई आइकन से जा करके देख लीजिए इन टूल्स को बारे में, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस सभी दो तीन क्लासेस दे रखे हैं। तो ये चीज़ें देखिए और भी, और इस क्लास को अच्छे से समझिए। तो ये हैं, अभी इस तरह से आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे मूव टूल है। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसे बंद कर दूंगा येलो जो वो आ रहा था
वो आपको नहीं आएगा। ये है आपका स्नैप टूल, वो स्नैप कर रहा था, ग्रिड को स्नैप करके बना रहा था। अच्छे से आप आइएगन से स्नैप टूल को भी समझ सकते हैं, जाकर क्लास देख सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। तो ये है आपका मूव टूल, ये है आपका रोटेट टूल, इसी को आपको ऐसा कुछ रोटेट करना है तो ऐसा कुछ आप रोटेट टूल, अगर आपको इसी को स्क्रीन को बड़े करके अच्छे से साइज करना है तो अल्ट डब्ल्यू क्लिक करोगे, ये देखो आपने इसी प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट पे आप जाकर आप काम कर रहे हो। तो इससे आप रोटेट टूल ऐसा कुछ रोटेट कर रहे हो, इसी को मूव करना है तो डब्ल्यू शॉर्टकट डब्ल्यू है, यहाँ पे आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो शॉर्टकट डब्ल्यू, तो आप मूव टूल आ गया, ऐसा कुछ मूव कर सकते हो। यहाँ पे भी आप ध्यान देना, अगर मैं इसी में ई प्रेस कर देता हूँ तो रोटेट टूल, ई प्रेस करते ही ये देखो रोटेट टूल आ गया, आर प्रेस कर दूं तो ये देखो ये, इसी को मुझे स्केल करना हो तो स्केल करने के लिए आर प्रेस करना है, ये देखो यहाँ पे स्केल टूल। तो ये जैसे कि एम से मूव टूल, ई से रोटेट टूल, एस से यहाँ पे स्केल टूल, तो ये है। इस तरह से आप इन टूल्स का यूज करोगे। स्केल करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपका ये ऐसा कुछ स्केल हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना है ई के थ्रू रोटेट, आप कर सकते हो ऐसा कुछ इसी को एंगल किसी ऐसा भी, यहाँ पे अगर आप रखोगे सेंटर में तो ऐसा कुछ किसी भी एंगल में ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। डब्ल्यू जैसे ही मेरे प्रेस किया, मूव टूल आ गया, अभी मुझे छोटा करना है, ज़्यादा हो गया तो मैं फिर से स्केल कर दूंगा। तो ये चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ें आपको दी गई हैं स्केल वगैरह करने के लिए, ये इन चीज़ों का यूज करोगे। यहाँ पे टूल है इस तरह से, आपको ये व्यूपोर्ट है 2021 का, एक नया आपको व्यूपोर्ट मिल जाता है, आपको ये आपका नया 2021 का व्यूपोर्ट है, इसको यूज करो, काम करो अच्छे से। कभी भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो व्यूपोर्ट में तो यहाँ पे आपको ये वर्क स्पेस दिया ही गया है, कुछ भी आपका जैसे कभी किसी रीजन से आपको ये टूल नहीं आ रहा हो, यहाँ से अभी धोखा से आपने ऐसा कुछ क्लिक कर दिया, या कोई कभी ऐसा कुछ धोखा से आपका कुछ और भी कमांड हो गया, मेन टूल गायब हो गया, कभी आपका कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, मैक्स खोलो, यहाँ वर्क स्पेस पे जाओ, रीसेट टू डिफॉल्ट ऐसा कुछ कर दो। जैसे ही आप लास्ट, ये आपका हथियार है कि आप जैसा ही इस पे करोगे आपको ये डिफॉल्ट जैसा सेटिंग ओपन होकर आ जाएगा, और उसके बाद आप चाहते हो यहाँ से इसे हटाना, इसे ऐसा कुछ हटा सकते हो, ये देखो मैंने इसे हटा दिया, रिबन, अगर यहाँ से रिबन आपको हटाना है, यहाँ पे कस्टमाइज में जाओ फिर से और यहाँ पे आप ऑन कर हटा दो, ये आपका रिबन हट गया, ये आपको मैंने बताया ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ, ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हुआ ये था कि मैंने ऊपर ऐसा कुछ डाल दिया था तो ये ऊपर बॉक्स में ऐसा जोड़ने के कारण ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कोई नहीं मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। चलिए आपको एक नया चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है, ये आप इसे ऐसा कुछ छोटा कर सकते हो, एंड इसे चलो बंद कर देता हूँ, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये नया आ गया। इस तरह से आप इसको, हुआ क्या था कि ये धोखा से अभी काम करते करते यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक हो रहा, यही इसी चीज़ को मैं यहाँ क्लिक कर देता तो ये ऐसा कुछ सेट हो जाता, देन मुझे प्रॉब्लम नहीं होता जो भी हो रहा था। आप इन चीज़ों को ऐसा कुछ मूव खींच सकते हो ऐसा कुछ, एंड ऐसा कुछ अभी अभी ये ऊपर ब्लू में टॉप हो गया, मैं यूज हो गया, अभी मैं फिर से यहाँ से ऐसा खींच के, ये जो आप डबल लाइन देखते हो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ छोटा कर लेता हूँ इसे, ये है आपका सीन एक्सप्लोरर। सीन एक्सप्लोरर को ऐसा कुछ आप ओपन करोगे, अब मैं अगर सीन एक्सप्लोरर को बंद करने के बाद ऑन करूँ, ये देखो फिर से वो यही प्रॉब्लम, ये टॉप पे चला जा रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से वैसे ही टॉप पे चला गया, ये जो यहाँ लाइन आ रहा है डॉटेड डबल लाइन आ रहा है, अब अगर आपको हटाना हो इस डॉटेड डबल लाइन पे ऐसा कुछ बिल्कुल हटाना हो, सीन एक्सप्लोरर सीन यहाँ पे अगर आप इनको ऑफ फिर से क्लिक करोगे ये आपका ऐसा कुछ ऑफ हो जाएगा, ये देखो बंद हो गया, फिर से आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये वही उसी जगह पे आ जाएगा, आपको कहीं और सेट करना है ये डबल डॉटेड पे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ, और यहाँ पे जो देख रहे हो ये ऐसा कुछ लेफ्ट क्लिक करके ऐसा कुछ खींचोगे, इस तरह से आप कर सकते हो। ये बार बार ऐसा कुछ हो रहा है पता नहीं क्यों, कोई नहीं, इसे आप ऐसा कुछ करोगे, इसे ऐसा कुछ करोगे और ये रहा। अभी आपको ये जैसा कि यहाँ ले जा रहे हो यहाँ पे ये सेट हो रहा है, नहीं करना है, मैं हटा लिया, मुझे इस साइड पे रखना है ऐसा कुछ, मैं देखो अब ये इस साइड पे जैसा कि पहले हो था वैसे हो गया, देखो ऐसा कुछ जैसे पहले था। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, सीन एक्सप्लोरर है, कस्टमाइज है, ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप आती हैं, ये आपका सीन एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप चाहो ऐसा कुछ सेट कर सकते हो, परमानेंट ऐसा कुछ सेट कर सकते हो,
जैसा अभी मैंने सेट कर दिया। अगर यूज करना है यहाँ पर ऐसा सेट किया हुआ है यूज करो, नहीं करना है ऐसा हटा दो, फिर से सेट करना है ऐसा करके ऐसा कुछ। तो ये चीजें सब कुछ आपके हाथों में है, जैसा कि मैंने इसे सेट कर दिया। आप चाहो यहाँ लेयर है, इसी लेयर को मैं ओपन करूँ, यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ जब भी आप बॉक्स या किसी टूल पे जब आप काम करोगे तो यहाँ बहुत सारे उसके टूल्स आ रहे होते हैं ऑलरेडी। अगर मैं बॉक्स पे काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर, जैसे इसे एडिट करना है या इसे पॉली में, मान लो मैंने इसे पॉली कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ बहुत सारे नीचे टूल आ रहे होते हैं आपको पता। अभी आपको यहाँ पे स्पेस बहुत कम मिल रहा है, तो इसे आपको हटा के इधर सेट करना हो या हटाना हो ऐसा कुछ आप हटा सकते हो। कैसे हटाया अभी मैंने, डबल डॉट जो वहाँ पे, अगर मैं फिर से यहाँ पे रखूँ, मार दे, मान लो मैं यहाँ पे इसे फिर से सेट कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ से हटाना है ये जो डबल डॉटेड, हर जगह आपको हटाना हो ये डबल डॉटेड लाइन आता है, इस पर क्लिक करोगे, देखो अब आपका जैसे पहले आप काम करते थे एडिट पॉली करने के बाद आपको एडिट करना है तो बहुत सारे ये जो सारे स्मूथ रिजल्ट ये सब जो आपको टूल्स आते थे एडिट करने के लिए, इन सबको आप प्रॉपर आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर से इसको भी अगर आप चाहो यहाँ ऐसा कुछ इस साइड में, देखो ये ब्लू ब्लू कलर का लाइन आ रहा है, जब आने लगे ऐसा छोड़ दो, देखो यहाँ पे सेट हो गया। हटाना है इसे यहाँ पे, लो ऐसा कुछ हटा दो। फिर से आपको इसे यूज करना है, कभी जरूरत है लेयर का, बहुत कम हालांकि यूज करते हैं हम, बट अगर यूज करना है यहाँ क्लिक करोगे, ये देखो आपका लेयर आ गया। तो किस लेयर में क्या है सब कुछ यहाँ पे बन रहा होता है, आप यूज कर सकते हो। फिर से ऑफ करना है इसी डबल डॉटेड पे, यूज करो यहाँ ऑफ कर दो, या यहाँ से भी ऐसा कुछ आप व्यूपोर्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखो ये हो गया लेयर के लिए, ये सीन एक्सप्लोरर के लिए, ये देखो ये सीन एक्सप्लोरर भी यहाँ से आप ऐसा कुछ ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे बाकी चीजें जैसे अभी बॉक्स है, टीपॉट है, क्या क्या है सीन में, लाइट है, सब कुछ आप ये यूज कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर और डिटेल में इन चीज़ों का क्लास होगा, अभी तो बहुत सारे 2021 के एक बहुत सारे क्लास आने हैं, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे जाओ, चैनल को विजिट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि फ्यूचर में जितने भी 3ds Max 2021 के क्लासेस में अपलोड करने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ, सब कुछ आप देख पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ। तो ये चीज़ें हैं ऐसा कुछ आपका यहाँ पे, इसको यूज करता हूँ फिर, चलो मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका 3ds Max का जो है सो की सेटिंग है, व्यू पोर्ट है, अल्ट डब्ल्यू, ये चीज़ आपका इस तरह से यूज करो और काम करो, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओ। बाकी और भी क्लासेस, अभी मैं सिर्फ व्यूपोर्ट को आज की क्लास में समझा रहा था कि इस तरह से आपका व्यूपोर्ट है, आप इस तरह से रोटेट करते हो, इस तरह से अल्ट डब जूम इन जूम आउट के लिए, आप जैसे कि आप देख रहे हो व्हील मेटल माउस बटन का हम यूज करते हैं, जूम इन जूम आउट अभी कर रहे हैं, अभी सिर्फ मुझे पैन करना है, तो मैं मिडल माउस बटन को देखो मिडल क्लिक करके, मिडल माउस बटन को क्लिक करके और होल्ड करके और ऐसा कुछ मूव कर रहा हूँ। या देखो नीचे आप देख सकते हो मिडल क्लिक और होल्ड, और सिर्फ माउस को मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो और जूम इन जूम आउट कर सकते हो और ऐसा कुछ जो अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं अल्ट अल्ट बटन को क्लिक कर रखा हूँ, मिडल माउस बटन को क्लिक करके अल्ट और मिडल माउस बटन को क्लिक कर रखा हूँ और बस माउस को इधर उधर घुमा रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये है आपका माउस को यूज करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप माउस को यूज करो। फिर मैंने अभी जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिख रहा होता है, ऐसा कुछ मैं व्हील यूज कर रहा हूँ, फिर से वही ऐसा कुछ मिडल माउस बटन क्लिक कर रखा हूँ, अल्ट क्लिक कर रखा हूँ, ऐसा कुछ मूव कर रखा हूँ। ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ उनके लिए जो शायद बहुत कम जानते हैं मैक्स के बारे में, या बिगनर है अभी नया नया सीखना चालू किए हैं, तो उनको हो सकता है बहुत चीज़ों का आइडिया ना हो तो आइडिया मिल जाए, जो एक्सपर्ट है उनको तो उनके लिए तो ये क्लास है ही नहीं, वो तो बहुत सारे मैं जो लाइटिंग टेक्सचरिंग के क्लासेस दे रखा हूँ ऑलरेडी उनको देखें। ये मैं 3ds Max 2021 का कुछ के ऊपर कुछ क्लासेस दे रहा हूँ, तो ये बिगनर्स के लिए भी है, अगर नए लोग भी देखेंगे जो अच्छे से जानते हैं तो उनको हो सकता है कुछ नए टूल सीखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं आज का जो आज का क्लास है वो अभी कंप्लीट करता हूँ मैं यही यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक नया क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं कुछ और नया टूल 3ds Max 2021 का बताऊँगा। आज के क्लास में सिर्फ व्यूपोर्ट इंट्रोडक्शन था, तो थैंक यू एंड क्लासेस नए क्लासेस को वेट कीजिए, दो चार दिन में आ जाएंगे, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आई आइकन से आप जाकर के 3ds Max के आज तक के जितने भी क्लासेस हैं सबको आप देख सकते हैं। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है किसी तरह का कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, थैंक यू।